लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होगी और इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की मतगणना बॉयज कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में होगी। मतगणना को लेकर जहां मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतगणना की तैयारियों को लेकर करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि यहां 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 टेबल मतगणना के लिए लगाई गई है। साथ ही मतगणना हॉल भी तैयार हो गया है। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करते हुए गणना की जाएगी। चार करौली जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं और धौलपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 काउंटिंग टेबल हमने लगाई हुई है। एक ARO काउंटिंग टेबल है। इस प्रकार से प्रत्येक कमरे में 13 हमारी टेबल लगी हुई है। कुल 104 टेबल है। एक टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर और 2 काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं। काउंटिंग सुपरवाइजर हमारा गजेटेड अफसर है और काउंटिंग सुपरवाइजर हमारे नॉन गजेटेड अफसर हैं। इसकी व्यवस्था हमने पूरी सुनिश्चित कर ली है। काउंटिंग हॉल हमारे तैयार हो चुके हैं। एक्चुअली जैसे आपकी जानकारी में है कि एक विधानसभा क्षेत्र से 5 VVPAT पर्चियों की गणना की जाएगी, उसके लिए भी हमारा एक काउंटर तैयार हो चुका है, केबिन तैयार हो गया है हमारा। तो एक टेबल पर एक एक करके हमारी 5 VVPATs की पर्चियों को मिलान किया है।